हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी है टाइम सुबह के 10:30 या 11 बज रहे होंगे। मैं नहा गई हूँ और नहा के मैं कपड़े धो दिए हैं। फटाफट मैं कपड़े फैला लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी नहाने में, तो फटाफट कपड़े डाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, कल मैंने जब ब्लॉग का एंड किया था, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का मैं पूरा आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ। तो कल मैंने जब ब्लॉग शेयर किया था, उस टाइम मैंने सब्जी बना दी थी और आटा लगा के रखा था। लेकिन तभी मुझे पता चला कि हमने तो शादी में जाना था, तो मैंने वो ऐसे ही रख लिया और हम शादी में गए। और नेगी जी मेरे को बताना भूल गए थे, जब वो घर पे आए उन्होंने तब बताया मेरे को। तो मैंने रोटी नहीं डाली थी, तो हम शादी में गए। कल मैंने साड़ी डाली थी शादी में जाने के लिए, और शादी वहाँ की थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ले रखी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और अभी मैं लगा दूंगी उसको। ब्लॉग तो मैंने मतलब कल से ही स्टार्ट कर दिया था, ये वाला कल से ही समझ लीजिए, जब आधा क्लिप कल की है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा काम सारा हो गया है। वैसे मेरा काम 8:30 बजे ही हो जाता है, क्योंकि जब ड्यूटी वाले स्कूल वाले चले जाते हैं तो मैं अकेली रहती हूँ, तो फटाफट काम कर लेती हूँ। तो आज मैं लेट नहाई, 10 बज रही है, तो मेरा नहाना और कपड़ा धोना रह रखा था, वो भी हो गया। कपड़े मैं ऊपर डाल के आ गई हूँ और नहा भी गई हूँ। तो अभी मुझे जाना है मार्केट। मार्केट क्या, यहीं मतलब कॉलोनी के मार्केट में जाना है कुछ सामान लेने। तो मैं वहां से होके आ जाती हूँ, तब मिलती हूँ मैं आपको। तब तक आप वो वाली रात वाली क्लिप इंजॉय करिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी ना रात की मतलब 7 बज रही है और नेगी जी आ चुके हैं। नेगी जी पूजा कर रहे हैं। और नेगी जी, हमने ना शादी में जाना था, आज बगल में शादी हो रही है और नेगी जी ने मेरे को बताया ही नहीं। और मैंने सब्जी भी बना दी और आटा मैंने लगा के रखा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है। और शादी में जाना है हमको, तो मैंने कहा अब नेकी जी को सब्जी सुबह के लिए हो जाएगी और आटा भी सुबह के लिए हो जाएगा, फ्रिज में रख देंगे। तो शादी में चलते, बहुत टाइम से शादी में गए नहीं, तो मैं पहन रही हूँ ये वाली साड़ी। ये वाली साड़ी मेरी ना नई नहीं है, ये मैंने ना अपनी छोटी के बर्थडे में 4 साल पहले ली थी, उसके बाद मैंने बर्थडे में पहनी थी, उसके बाद मैंने आज तक पहनी नहीं है। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसी है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली साड़ी पहन रही हूँ, यहाँ पे लाइट कलर आ रहा है लेकिन इसका ऑरेंज सा कलर है। और ये देखिए मेरा ये प्यारा सा बैंगल बॉक्स, ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था और ये मेरे बैंगल से ये वाली मैं पहन रही हूँ अभी। तो चलिए फुल लुक लेके आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार। ये देखिए, ये मेरी साड़ी है। फुल लुक लेने के लिए मैं नेकी जी को बोलती हूँ, नेकी जी लेंगे फुल लुक, फिर बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स, ऐसा था मेरा पूरा लुक अभी जो आपने देखा। और चलिए अब शादी में चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको।
फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मार्केट से और सामान ये देखिए, बिस्किट ख़त्म हो रखे थे तो मैं ये बिस्किट लेके आई और ये पार्ले जी लाई। मैंने कहा बच्चों के लिए पार्ले जी बढ़िया होते हैं, उनको तो बिस्किट जितना दो उतना कम ही कम। कस्टर्ड लेके आई, पनीर लेके आई और बाकी बचे पैसों से ये पल्स लेके आई, ये मटर लेके आई और दही और चीज़ लेके आई। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं दुकान से और बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है तो मैंने सोचा कि अभी चली जाती हूँ मार्केट, फिर और ज़्यादा धूप हो जाएगी। ये बिस्किट मैंने एक बार खाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैं दोबारा ले आई, लेकिन बच्चों के लिए ना पार्ले जी से बेस्ट कोई बिस्किट नहीं होता, तो इसलिए मैं बिस्किट लाती तो हूँ। जो वो मेरा बेटा बोलता है वो सारे बिस्किट लाती हूँ, लेकिन पार्ले जी भी ज़रूर लाती हूँ क्योंकि जब कुछ नहीं रहेगा ना तो पार्ले जी खाना ही पड़ेगा बच्चों को, तो इसलिए मैं पार्ले जी हमेशा रखती हूँ। और पार्ले जी गेहूँ से बना रहता है तो ठीक रहता है थोड़ा, बाकी तो भाई बच्चों की मर्ज़ी है क्या खाए क्या ना खाए। तो चलिए मैं ये समेट लेती हूँ, सब्जियाँ भी लाई हूँ, सब्जियाँ मैंने अंदर रख ली है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और ये मैंने रवा अप्पा बना रखे, यानी सूजी के अप्पे बना रखे। इसकी मैंने रेसिपी शूट की है अपने दूसरे चैनल रेनू रेसिपी एंड लाइफस्टाइल के लिए, तो अगर आपको फुल रेसिपी देखनी है तो आप उस चैनल पे ज़रूर विज़िट करिएगा, तो बहुत टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स ये। तो थोड़ा सा टाइम था तो मैंने ये बना लिए। अब मैं दिन का खाना बनाऊँगी, दिन के खाने में मैंने दाल रखी है और चावल बनाऊँगी, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी है इवनिंग का टाइम, गुड इवनिंग सभी को। और उसके बाद ना रेजी, आज मेरा बेटा आज बहुत लेट आया था तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गई थी। बोला कि कोई बच्चा था वो मिल नहीं रहा था स्कूल में, तो उसको ढूंढ रहे थे अंकल और इसलिए लेट हो गई। तो क्या होता है, 2:30 बजे से भी ज़्यादा हो, 2:30 से भी ज़्यादा हो गया था तब आया रेजी। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, मैंने बर्तन वर्तन धोए और उसके बाद मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला मुझे नींद कब आई, मैं सो गई। और अभी वो ट्यूशन चला गया है और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। चाय बनाने के बाद मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है और आज नेगी जी फिर से लेट आएंगे ऑफिस से क्योंकि नेगी जी को जाना है पार्टी में, तो हम चाय बना लेते हैं। और ये देखिए मैंने इस डब्बे में चूड़ा भर रखे हैं, गाँव के चूड़े,
खत्म हो गए, बस थोड़े से बचे हैं, तो कभी कभी ऐसे खा लेना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें ना तिल भी मिक्स है। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये देखिए मेरी चाय बहुत अच्छे से बन गई है, थोड़ी सी बनाई है मैंने, और इसमें दूध डाल दूंगी। दूध ज्यादा डाल रही हूँ मैं और पानी कम डाल रही हूँ, क्योंकि दूध बहुत ज्यादा बचा है, इसलिए अब इसको मैं खौलने दूंगी। दूध मैंने थोड़ा, पानी मैंने थोड़ा सा डाला था चीनी को मेल्ट करने को और चाय पत्ती को कलर लाने के लिए, उसके बाद मैंने एक गिलास दूध डाला। अब इस चाय को अच्छे से उबलने दूंगी, इसमें 2-3 बॉयल आने दूंगी, तब बहुत टेस्टी होगी। फ्रेंड्स आजकल ना मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा, तो बहुत दिन से, तो मैंने शाम की चाय छोड़ रखी है, लेकिन आज मैंने कहा फ्रेश सा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। गेट पे कोई आ गया, मिलती हूँ आपको बाद में। फ्रेंड्स मुझे तो गर्मी होने लग गई, मैंने पंखा चला दिया और मेरी सास आ गई थी, तो मैंने चाय बनाई, उन्होंने थोड़ी सी चाय पी और अब मैं चाय पी रही हूँ। तो बस चाय पी के फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ रात को। रात को क्या, अभी तो 4-5 बज रही है, थोड़ा छत में वॉक करूँगी, उसके बाद देखती हूँ। नेगी जी तो आज पार्टी में है, हम को ही बनाना है दोनों के लिए बस खाना। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। और आजकल हम ना स्टील के गिलास में चाय पीते हैं, क्योंकि ठंड आ गई ना थोड़ी थोड़ी। आज मुझे पता नहीं क्यों गर्मी सी लग रही है, मैंने थोड़ा थोड़ा पंखा चला रखा है, और यहाँ का पंखा तो कम ही नहीं होता, तो अभी बंद कर दूंगी इस पंखे को। ठंडी होने लग गई इसलिए स्टील के गिलास में चाय। वैसे हम वैसे भी स्टील के गिलास में पीते हैं, लेकिन गर्मियों में कप में पीते हैं, स्टील के गिलास कम यूज़ होते हैं, लेकिन ठंडियों में फिर से स्टील के गिलास निकल जाते हैं। स्टील के गिलासों में ज़्यादा देर तक गर्म रहती ना, इसलिए ये मैंने चाय पीने के लिए ला रखी है स्पेशल, 4-5 गिलास है ये। तो फ्रेंड्स ये मूली है ना, ये मेरी सास लाई है अभी, और मुझे ना मूली के पत्तों की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सोच रही हूँ कि नेगी जी तो है नहीं, मैं अपने लिए मूली के पत्तों की सब्जी बनाती हूँ, इनको छांट लेती हूँ और बारीक काट लेती हूँ। और रेसी के लिए मुझे आज बनाना है शाही टुकड़ा, क्योंकि आज ना दूध बहुत ज़्यादा है, 2-3 दिन से शाही टुकड़ा बनाऊँगी, तो वो रोटी वैसे भी खा लेगा क्योंकि ये हरी सब्जी नहीं खाता वो। देखिए फ्रेंड्स मूली के पत्ते मैंने अच्छे से 2-3 पानी में वॉश करके काट लिए, और ये मैंने थोड़ी सी मूली भी काट ली। फ्रेंड्स ये मूली के पत्ते जो हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, खून बढ़ाने में, पेट की बहुत सारी समस्याएं दूर करता है, मतलब इसकी पत्ती आप कच्चा ऐसे भी चबा लो तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आजकल कहाँ लोग मूली के पत्ते खाते हैं, तभी तो हफ्ते में 2 या 3 बार बीमार पड़ जाते हैं, नेचुरल चीज़ें नहीं खाते। जब हम घर में थे ना तो मूली के पत्ते गार्डन में लगते थे, तो ऐसे भी तोड़ के खा लेते, मॉर्निंग में खाली पेट खाओ बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसको मैं एक बार ना गर्म पानी में, बॉयल पानी में उबाल लूँगी, मतलब थोड़ा सा हल्का सा, उसके बाद सूखी सब्जी बनाऊँगी, बहुत टेस्टी होती है। अपने लिए तो मैं वो बनाऊँगी, और रेसी के लिए देखती हूँ कुछ और, या शाही टुकड़ा मेरे को बनाना है तो वो भी हो जाएगा एक। और फ्रेंड्स ये ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।